खबर 9 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हमारी सभी न्यूज प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रिया। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। उमरिया जिले के करकेली जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत में आज गृह प्रवेश का कार्यक्रम बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशानुसार 12 सितंबर 2020 को रात 11 बजे सीधा प्रसारण के माध्यम से गृह प्रवेश के दौरान हृदय द्वारा जनमानस विचार सुने। इसी तरह जनपद पंचायत करकेली के अंतर्गत 3,358 पीएम आवास गृह प्रवेश 107 ग्राम पंचायतों में हुआ। कोरोना काल में बने पीएम आवास पूर्ण होने के साथ उमरिया कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के निर्देशानुसार जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वर्ष 2019-20 में कोरोना संक्रमण जिले में पूर्ण हुए आवास योजना में करकेली ग्राम पंचायत के चमेलिया बाई कोल फीता काटकर गृह प्रवेश में हुआ। विधायक शिवनारायण सिंह के मुख्य आतिथ्य में जनपद अध्यक्ष कुसुम सिंह की उपस्थिति में अपना आवास योजना के प्रभारी कुबेर सिंह चौहान, राजपाल सिंह विकासखंड समन्वयक आवास योजना ग्रामीण, आरपी शुक्ला विकासखंड अधिकारी, राजेश सिंह पूर्व सरपंच मुंडा, सरपंच अवधराज सिंह उप सरपंच भैया बहादुर सिंह, सचिव बुद्ध सेन साहू, रोजगार सहायक सचिव आशीष अग्रवाल, प्रमोद तिवारी, राम कृपाल नापी, संग्राम सिंह, राजेंद्र विश्वकर्मा, तीरथ तिवारी इस दौरान ग्रामीण जनमानस उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान विधायक द्वारा कहा गया, प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का सौभाग्य की बात है, उसी के साथ उज्ज्वला योजना से गैस सिलेंडर भी दिया गया। प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के कार्य योजनाओं की जानकारी देते हुए विधायक ने कहा, गरीब आदिवासी को भटकना और परेशान होने की जरूरत नहीं है, तमाम हितग्राही मूलक कार्य योजना का लाभ आम जनमानस तक पहुंचेगा। इसी तरह कई ग्राम पंचायत में आज गृह प्रवेश कार्यक्रम का आयोजन हुआ। करकेली में 3,358 आवास आज गृह प्रवेश के रूप में गृह प्रवेश हुआ है, जो मध्य प्रदेश में जनपद पंचायत अभी तक 18,000 आवास पूर्ण करा चुका है और अभी लगभग 1,000 आवास नए आए हुए हैं, जो जिसमें स्वीकृति की कार्रवाई चल रही है। पूरे देश में प्रधानमंत्री आवास बनाए जा रहे हैं और बन चुके हैं। और सबसे प्रथम तो आपको ये बताना चाहूँगा कि इस कोरोना महामारी में जो 2,00,000 आवास मध्य प्रदेश में बनाए गए हैं वो एक मिसाल है। और सब और दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि हमारी माता राम श्रीमती चमेली बाई ने शासन की लागत के साथ साथ अपनी भी कुछ लागत लगाकर इस प्रधानमंत्री आवास को जिस तरह सजाया है, निश्चित ही इससे दूसरे लोग प्रेरणा लेंगे, दूसरे लोग इससे आकर्षित होंगे कि हम भी प्रधानमंत्री आवास जो मिलता है हमको और इसी तरह हम भी थोड़ी सी राशि मिलाकर इसी तरह भव्यता के साथ हम प्रधानमंत्री आवास बनाएं, ये आज के कार्यक्रम की प्रेरणा है, एक संदेश है। उमरिया से नीरज सिंह, रघुवंशी की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।